हाँ तो आ गया मैं आपको टोपी पहनाने। मेरा मतलब आपको कोई टोपी ना पहना जाए उससे पहले आपको बचाने। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 5 साल में स्मॉल कैप फंड्स 7.5% तक गिर चुके हैं। तो मतलब आपने 5 साल पहले किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया होता तो 50% चांस है कि आपका पैसा डूब गया है, क्योंकि आधे स्मॉल कैप फंड्स डूब रहे हैं। तो टाइटल देख के आप समझ ही चुके हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा इक्विटी फंड कितने तरह के होते हैं। इक्विटी फंड ही क्यों, क्योंकि जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग अनएक्सपेक्टेडली हाई रिटर्न्स लाना चाहते हैं, वो अपना पैसा इक्विटी फंड्स में ही डालते हैं, क्योंकि डेट फंड में आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है, हाई या लो नहीं, स्टेबल मिलता है। तो आपको अगर पैसा ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, हल्का फुल्का रिस्क भी लेना है, तो आपके लिए इक्विटी फंड है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है कि हजारों इक्विटी फंड्स हैं और काफी इक्विटी फंड्स में आपको अपना पैसा डालना ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट उससे कोसों दूर रहना चाहिए, पर फिर भी ऐसी AMCs या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कन्विंस कर देते हैं कि आप तो अपना पैसा इसी में लगाओ, इसी से आप करोड़पति बनोगे। पर आप ये देख रहे हैं करोड़पति नहीं बन रहे हैं लोग इस चीज से, इससे उनका पैसा डूब रहा है। पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स या AMCs का फायदा ये होता है कि उनमें या तो हायर एक्सपेंस रेशियो होगा या हायर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होगा। अगर आपको ये दोनों टर्म नहीं पता है तो आप सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, SST सीरीज को, तो उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे, वो भी चेकआउट करना बहुत जरूरी है। तो आज वाला वीडियो देखना आपके लिए जरूरी इसलिए है ताकि कोई भी आपको स्मॉल कैप या कोई भी कैप यानी टोपी पहना के ना चले जाए और 5 साल बाद आपका पैसा बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए, और 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की ऐसी दुर्गति ना हो। और साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप फंड क्या होते हैं, और सबसे बड़ा हर्डल जो हर इंसान की लाइफ में आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। और जब उसको बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं कि भाई लार्ज कैप फंड बढ़िया है उसमें इन्वेस्ट कर दे, दूसरा भाई बोलता है मिड कैप फंड बढ़िया है उसमें इन्वेस्ट कर दे, तीसरा भाई बोलता है अरे वो छोड़ ELSS में कर दे, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं मुझे खेलना ही नहीं है यार। तो आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो समझना बहुत जरूरी है, और समझने के लिए मैंने आपके लिए तैयार करा है बहुत ही सिंपल भाषा में डिफरेंशिएशन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख लोगे तो वो म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे और आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भूल चुके हैं, और हाँ आप भूल ही चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस आंसर होता है, आपको आंसर कमेंट में लिखना है, और कोई एक लकी विनर को दे दिया जाता है ₹51 का UPI कैश। वो क्वेश्चन कहाँ रखा है वो आपको ढूंढना है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। और विनर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे ब्लॉग पे पब्लिश होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और अल्टीमेटली आपको किन म्यूचुअल फंड से मतलब होना चाहिए। फंड्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरी है इन्वेस्टमेंट स्टाइल, तीसरी है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फोर्थ कैटेगरी इज टैक्स ट्रीटमेंट, एंड फिफ्थ कैटेगरी इज मैनेजमेंट स्टाइल। पहली कैटेगरी में कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं उस पर बात करते हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको 4 तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। आइए समझते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। कोई भी ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो एटलीस्ट 80% अपने असेट्स का इन्वेस्टमेंट करे लार्ज कैप कंपनीज में। अब आप पूछेंगे लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज ऐसी टॉप 100 कंपनीज होती हैं जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह होता है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ए, उसके 1000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और एक शेयर का प्राइस है ₹10, तो टोटल उसके शेयर्स की वैल्यू जो मार्केट में इस समय ट्रेड हो रही है वो है ₹10,000, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया ₹10,000। तो ऐसी हमारे देश में 100 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है उन्हें हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, सबसे कम रिस्क इन्हीं फंड्स में रहता है, पर स्टेबल होने के साथ साथ अगर इसमें कम रिस्क है तो आप ये भी मानकर चलिए कि ये बाकी म्यूचुअल फंड से आपको कम रिटर्न्स ऑफर करते हैं। तो अगर आप अपने पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने असेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे उसे हम बोलेंगे मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब आप पूछेंगे मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, तो देखिए टॉप 100 कंपनीज को तो हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनीज, पर 101 से 250th पोजीशन पे जो कंपनीज आती हैं
अगर रैंक किया जाए उनको उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो वो बन जाती हैं मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर हायर रिटर्न्स के साथ साथ आपको इसमें लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। अगला हम बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप एक्विटी फंड। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, एक ऐसा फंड जो अपना 35% असेट्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे और 35% असेट्स मिड कैप में इन्वेस्ट करे, उसे हम बोलेंगे लार्ज एंड मिड कैप एक्विटी फंड। ये फंड स्पेशली इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप कम से कम रिस्क और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सकें। तो आपका अगर 35% पैसा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड रहेगा तो वहाँ रिस्क कम है, और 35% पैसा जब आपका मिड कैप फंड में जाएगा तो वहाँ रिटर्न ज्यादा है। तो आपको परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है स्मॉल कैप एक्विटी फंड। कोई भी ऐसा एक्विटी म्यूचुअल फंड जो एटलीस्ट अपने एसेट्स का 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करे, उसे हम कहेंगे स्मॉल कैप एक्विटी म्यूचुअल फंड। अब मैंने आपको ये बता दिया कि टॉप 100 कंपनीज को बोला जाता है लार्ज कैप फंड्स, उसके बाद अगली 150 कंपनीज को बोला जाता है मिड कैप फंड्स, और टोटल 250 कंपनीज होने के बाद जो 251st कंपनी होती है और उसके बाद जितनी भी कंपनीज आती हैं उन्हें कहा जाता है स्मॉल कैप फंड। ध्यान रखिए, ये रैंकिंग हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कर रहे हैं। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो देश की 95% कंपनीज जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यानी वो टॉप 250 कंपनीज में नहीं आती। ये फंड्स सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत हाई रिटर्न्स और बहुत हाई रिटर्न्स के साथ साथ बहुत हाई लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक स्टेडी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करिए या लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका रिस्क और रिटर्न बैलेंस्ड रहे। उसके बाद एक और फंड आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप एक्विटी फंड। ऐसा फंड जो एटलीस्ट 65% अपने असेट्स का लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, ताकि उसे बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स का रिटर्न मिल सके। मल्टी कैप फंड के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को स्विच कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर खुद किसी लार्ज कैप फंड से मिड कैप फंड में मूव होने का कोशिश करता है तो उसे एग्जिट लोड और टैक्सेस बेयर करने पड़ सकते हैं। अगली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। इस कैटेगरी में 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मतलब ऐसी कंपनीज जो केपेबल हैं अच्छा डिविडेंड प्रोड्यूस करने के, पर यह जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और आप तक डिविडेंड पहुंचेगा, क्योंकि कंपनीज के पास एक राइट होता है अपना डिविडेंड रिटेन करने का। पर काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, तो ये फंड अपना 65% पैसा उन्हीं कंपनीज में लगाएगा जो अच्छा डिविडेंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगला आता है वैल्यू एक्विटी फंड। ये फंड्स ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है इन्वेस्टमेंट के लिए जो करेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अंडर परफॉर्म करने की वजह से वो स्टॉक्स काफ़ी सस्ते में अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। पर वो सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है फ्यूचर में ग्रो करने का। तो बेसिकली ये फंड कंसिस्टेंटली हंट करता रहता है सस्ते स्टॉक्स को जो फ्यूचर में महंगे हो सकते हैं। अगला टाइप है ग्रोथ एक्विटी फंड। ग्रोथ एक्विटी फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल और गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती है, जो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए। ये सारी ही कंपनीज या तो डिविडेंड पे नहीं करती हैं, या करती भी हैं तो बहुत थोड़ा डिविडेंड पे करती हैं। अगली कैटेगरी जिसके बेसिस पर एक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बांटा गया है वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। ये फंड मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो करेंटली अंडर परफॉर्म कर रही हैं, और यहाँ पर एक अजम्पशन रहता है कि जो कंपनी आज बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है वो लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगी, क्योंकि जिस वजह से वो आज बुरा परफॉर्म कर रही है वो शॉर्ट टर्म कंसर्न है जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला होता है फोकस्ड इक्विटी फंड। टिपिकली हर म्यूचुअल फंड 50 से 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, पर ये वाले फंड्स अपने असेट्स का 65% मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया। पर इनमें पोटेंशियल होता है बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करने का,
क्योंकि ये फोकस्ड एक्विटी फंड है। अगला होता है सेक्टोरल एक्विटी फंड। ऐसा एक्विटी फंड जो अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करे, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हो गई या आईटी कंपनीज हो गई या फिर फार्मा कंपनीज हो गई। ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं क्योंकि अगर एक फंड का पैसा सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की कंपनीज में लगा हुआ है और मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से वो इंडस्ट्री ही डूब जाए तो उस इंडस्ट्री की सारी कंपनीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और क्योंकि आपका पैसा सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपनीज में लगा हुआ है तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ओवर द पीरियड ऑफ 5 years या 10 years एक इंडस्ट्री के ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की सारी कंपनीज ग्रो करेंगी अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करती है तो यहाँ पर एक्सट्रीम रिस्क है और एक्सट्रीम रिटर्न्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगली जो कैटेगरी है जिसमें म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड किया गया है वो है एक्विटी फंड मैनेजमेंट स्टाइल। हम ये बात जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनीज चूज करता है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड होता है ये सारे डिसीजंस लेने के लिए, और इसीलिए आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं क्योंकि आपको विश्वास होता है उस फंड मैनेजर पर जो आपके पैसे को एकदम सही जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगा। पर फंड मैनेजमेंट स्टाइल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड ही फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी एक मैनेजर होता है वो आपके पैसों को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है, कब कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कब कौन सी कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए, ये सारे डिसीजंस वो हर दिन लेता है और आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजमेंट फी आपसे चार्ज करता है। और दूसरी कैटेगरी होती है पैसिव इक्विटी फंड। पैसिव इक्विटी फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, इसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार के जैसा समझ सकते हैं। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को या पर्टिकुलर मार्केट को मिमिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो सेंसेक्स को मिमिक करता है, तो जैसे जैसे सेंसेक्स बिहेव करेगा वैसे वैसे वो फंड भी बिहेव करेगा, यानी अगर सेंसेक्स बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और अगर सेंसेक्स घटेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। पैसिव इक्विटी फंड का एक और एग्जांपल होता है ETF, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न रखते हैं, तो जिस डायरेक्शन में इंडेक्स मूव होता है उसी डायरेक्शन में ये फंड भी मूव होता है। अगली जो कैटेगरी है जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड को बांटा गया है वो है टैक्स ट्रीटमेंट। तो पहला म्यूचुअल फंड है ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ये फंड भी अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटीज में। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, और अगर 3 साल तक आपने अपना पैसा इस फंड में रख लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर मिलने वाले टैक्स डिडक्शन के लिए, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख का होता है। और दूसरा होता है नॉन टैक्स सेविंग इक्विटी फंड। जो ELSS नहीं होता वो सारे फंड्स नॉन टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स कहलाते हैं, और इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। तो समझ आया? समझ तो आया ही होगा, मैंने समझाया है, और अगर नहीं आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो पब्लिश होते ही हम कुछ घंटों के लिए कमेंट सेक्शन में मंडरा रहे होंगे और आप सबके क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे। अब अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुवेरा ऐप का लिंक दे रखा है। कुवेरा ऐप इंस्टॉल करने से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स से आप उसके कुछ पेड फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, और यही ऐप मैं रेकमेंड करूंगा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यही ऐप से हम खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हाँ, लिंक अफिलिएट जरूर है, पर आप लोगों के लिए कुवेरा ऐप एकदम फ्री है। उसके बदले में हमें एक छोटी सी फी मिलती है जो हमें सपोर्ट करती है ये चैनल कंटिन्यू रखने में और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, कुवेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, kadakmerch.com/LLA। आप मर्च खरीद कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और ध्यान रहे, खरीदारी हमेशा जरूरत के हिसाब से कीजिए। अगर टी शर्ट की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का UPI कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोज क्रिएट करने का।